कहते हैं ऑपोजिट्स अट्रैक्ट ईच अदर, लेकिन क्या ऐसे सच में होता है कि एकदम अलग सोचने वाले दो लोग प्यार की दुनिया मिलकर बसा सकते हैं? क्या प्यार ही काफी होता है एक रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए? ऐसा तो बोलते हैं, पर सिर्फ प्यार ही काफी नहीं होता है। बहुत बार प्यार के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग, कंपैटिबिलिटी भी चाहिए होता है एक रिलेशनशिप को टिकाए रखने के लिए। बहुत बार हम देखते हैं कि दो लोग एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, उसके बावजूद भी हो जाता है उनके बीच ब्रेकअप, रिश्तों में दरार आ जाती है और फिर धीरे धीरे दो लोग एक दूसरे से अलग होते हुए दिखते हैं, जो ब्रेकअप में तब्दील हो जाता है। शादी के बाद अक्सर अगर बच्चे हो जाए तो पेरेंट्स के बीच रिश्ते की कड़वाहट होने पर भी वो बच्चों के कारण डिवोर्स लेने से रुक जाते हैं। टेलीविजन जगत और बी टाउन में प्यार शेयर और ब्रेकअप, डिवोर्स, ये सब तो बहुत ही कॉमन है। अक्सर सेलिब्रिटीज अपनी निजी जिंदगी के बारे में मीडिया को नहीं बताना चाहते हैं, पर कई बार वो बता ही देते हैं। बहुत बार ये देखा गया है कि दो प्यार करने वाले एक साथ रहते हैं, फिर सेपरेशन की बात मीडिया के सामने नहीं बताते और कुछ टाइम लेकर खुलासा करते हैं मीडिया के सामने। बॉलीवुड के बहुत ही फेमस मॉडल और एक्टर अर्जुन रामपाल और मेहर को देखकर ये लगता है कि दोनों एक दूसरे से कभी भी बिछड़ नहीं सकते, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर। 1998 से अपने फैंस को कपल गोल्स देते हुए आ रहे हैं। लव, पेरेंटहुड, लिंकअप रूमर्स, सेपरेशन एंड द रीसेंट न्यूज ऑफ द डिवोर्स, द स्टोरी हैज हार्डली बीन पिक्चर्ड परफेक्टली। दोनों ही सेपरेशन के बाद भी मीडिया के सामने एक क्लास और एलिगेंस मेंटेन करते हुए दिखे। 20 साल तक एक साथ रहने के बाद हो गया उनका सेपरेशन। दोनों की दो बेटियां भी है। जब मेहर और अर्जुन के बीच चल रही थी अनबन, तब अर्जुन और सूजन खान के बीच बढ़ रही थी करीबियां और मेहर ये चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रही थी। 2015 में रिपोर्ट आया था कि मेहर अपना घर छोड़कर चली गई अपने माँ के पास। फिर दोनों एक दूसरे को फिर से सेकंड चांस देने की सोचे और फिर एक साथ रहने लगी खुशी खुशी। फिर 2016 में फिर से झगड़ा हुआ दोनों की। फिर 2017 में मेहर को रियलाइज हुआ कि सूजन और अर्जुन हो रहे हैं बहुत ही ज्यादा करीब। फिर दोनों ही अलग हो गए और मीडिया के सामने ये बात का खुलासा किए बहुत देर बाद। तो ये था रीजन उनके ब्रेकअप का। आपको कैसा लगा ये हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल टेलीचर्क। Know all about the tele world by subscribing to Telechuckers YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.